बस बस मुझसे बस 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 सब क्या हुआ है, क्यों रो रहे? क्या मसला है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तबीयत तो खराब नहीं है इसकी, डॉक्टर को दिखा आते। दवाई दी थी मैंने, इवन अम्मा भी कुछ सामान ले आई थी घर से इसका। अच्छा एक काम करो कि तुम सो जाओ, मैं इसे बाहर ले जाता हूँ। ऐसे तो तुम बेआराम रहोगी, बहुत टाइम हो गया है। मुझे अब तो आदत हो गई है, बस ऐसी जगह आता है सारी रात। कोई मसला नहीं, मैं कर लूंगी। अरे मैं हूं ना मायरा, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम सो जाओ, ये भी अभी सो जाएगा। बच्चे बस बदमाशी करते हैं, बस उन्हें अम्मा को जगाने का शौक होता है, ऐसा कोई मसला नहीं होता। लो दे दो, दे दो। कैसे हटाओ मायरा, छोड़ो मेरा मायरा। लगता है केस से पेट नहीं भरा तुम्हारा। एक और केस करूं तुम पर, गैर कानूनी तौर पर मेरे घर के अंदर घुसना। मैं बस दो मिनट मायरा से बात करना चाहता हूं, बस दो मिनट। मेरी बात सुनो। कहने और सुने हुए कुछ बाकी रह गया क्या? हाँ खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ो, जाओ यहाँ से और मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। मायरा प्लीज दो मिनट मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, क्यों जिद कर? हाँ मैं जिद कर रहा हूँ, जिद हमेशा से तुम ही करती आई हो, सबसे आगे रहती हो ना जिद्दी होने में। मोहब्बत इस जिद का दूसरा नाम है। जब मोहब्बत हकदार को हक से ना मिले ना तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहती, जिद बन जाती है। और तुम इस जिद में अपने बच्चे के सर से बाप का साया छीन लेना चाहती हो। मायरा तुम क्यों नहीं समझती, एक बच्चे को जितनी जरूरत माँ की होती है उतनी ही बाप की भी होती है। जरूरत हो सकती है कि मोहब्बत नहीं, और जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है ना। नहीं कड़वाहट, इतनी नफरत भर गई है तुम्हें, यकीन नहीं होता वही हो तुम जिससे कभी मोहब्बत करता था मैं। उसका गला तुमने खुद काट दिया, उसकी मोहब्बत का, उसकी कुर्बानियों का और उस मायरा का। तो अब क्या लेने आए आप? हिसाब? कैसा हिसाब? जो दिन तुम्हारे इंतजार में गुजार दिए उनका हिसाब, जो दिन तुम्हें प्यार करते हुए गुजारे उनका हिसाब, जो पल तुम्हारी याद में गुजार दिए मायरा उनका हिसाब। और तुमने क्या किया मेरे साथ वो सब भूल गए तुम? हाँ कुछ याद भी है तुम्हें? मेरी मोहब्बत में शिर्क का जहर घोल कर तुमने मुझे इतना जहरीला कर दिया समर कि मुझे खुद से नफरत होने लगी है। अरे तुम्हारे तुम्हें हाजिर करने का तो खुद जहर ले लिया, मौत को गले लगा लिया, अपने बच्चे तक का नहीं सोचा। और तुमने तुमने क्या किया बताओ? मायरा हमारी जिंदगी में जहर भर चुका है, पर अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अभी का नहीं तो अपनी आकबत का सोचो, फिर कैसे माफी मांग लो, जो जो गलत है सही कर लो उसे, शायद तुम्हारी आकबत सुधर जाए।